हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर सेकेंड एंड थर्ड अक्टूबर। एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 कहाँ पे स्टार्ट हुई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज दुबई। सेकेंड है, कौन सी एजेंसी रिलीज करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है ये। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसको टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। फोर्थ है, वेयर वॉज यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मैक्सिको। करंट अफेयर्स देखते हैं। इंसेलाडस ओशियन, इंसेलाडस जो है ये मून है किसका, सैटर्न का। सैटर्न जो प्लेनेट है और मून जो है एक तरह की यहाँ पे सैटेलाइट है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। नाम क्या है, इंसेलाडस। कौन से प्लेनेट की है, सैटर्न की। तो ये आपने याद रखना है। देन ये डिस्कवर किया गया है कि ये इंसेलाडस जो है इसके आइसी सरफेस के नीचे ओशियंस जो हैं डिस्कवर किए गए हैं, और साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि हो सकता है कि लाइफ के एविडेंस भी मिल जाए। ये मून जो है ये रिच है इन डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस, जो कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लाइफ का। देन कौन से स्पेसक्राफ्ट ने इस डिस्कवरी में रोल प्ले किया है, कासिनी। कासिनी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। 13 ईयर्स से, पिछले 13 साल से ये ऑर्बिट कर रहा है सैटर्न को, और इंसेलाडस सब सरफेस के अंडर लिक्विड वाटर जो है इसने डिस्कवर किया है। यहाँ पे एक बार ये पिक्चर देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, आइस क्रस्ट है, उसके नीचे ओशियन, एंड सबसे नीचे क्या है, रॉकी कोर है। देन जो सैटर्न के मून्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सैटर्न के टोटल 82 मून्स हैं, दैट मीन्स 82 सैटेलाइट्स हैं। और इंपॉर्टेंट मून्स कौन कौन से हैं, जैसे टाइटन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर्स मून कॉल्ड गैनीमेड, और ये नाइट्रोजन रिच है, अर्थ लाइक एटमोसफेयर है इसका। सेकेंड है इंसेलाडस, जहाँ पे जेट्स ऑफ गैस एंड डस्ट जो है पोलर रीजन से मिलेंगे। थर्ड है लैपेटस, लैपेटस जो है इसका ब्लैक एंड व्हाइट हेमिस्फेयर से ये बना हुआ है। कासिनी के बारे में पढ़ लेते हैं। कासिनी जो है ये बनाया था, एक कोलैबोरेशन थी नासा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी की। ये भेजा गया था सैटर्न पे ताकि ये वहाँ पे स्टडी कर सके सैटर्न प्लैनेट और उसकी रिंग्स के बारे में और इसके जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्वे कमीशन किया गया है, सर्वे कंडक्ट किया है किसने, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और इसमें क्या पाया गया कि 62% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड जो है इंडिया में, 62% जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। और इस सर्वे के अंडर क्या असेस किया गया था कि गवर्नमेंट ने क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे अचीव की हैं अंडर इट्स इनिशिएटिव जल जीवन मिशन। और ये नंबर जो था जून में कितना था, 52%, अब 10% बढ़ गया, अब कितना है, 62%। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी में ये पाया गया कि 80% जो हाउस होल्ड है उनके पास फुली फंक्शनल कनेक्शन है, टैप वाटर कनेक्शन है। और लेस देन हाफ ऑफ द हाउस होल्ड कौन कौन सी स्टेट में, राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास, लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास टैप वाटर कनेक्शन है। तो पुअर परफॉर्मेंस है इन स्टेट्स की। फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक हाउस होल्ड को एटलीस्ट 55 लीटर्स पर कैपिटा, इट मीन्स पर पर्सन पर डे ड्रिंकिंग वाटर जो है ऑल थ्रू द ईयर अवेलेबल हो। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट, गोवा, तेलंगाना एंड हरियाणा, इन्होंने 100% टैप कनेक्टिविटी जो है अचीव की है हाउस होल्ड की, हाउस होल्ड पार्ट पे। देन यूनियन टेरिटरीज जैसे कि पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पे भी 100% हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस भी समझना होगा कि एक होता है टैप वाटर कनेक्शन देना, दूसरा है कि उस टैप वाटर में पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो आप नंबर्स देख रहे हो कि तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, पुडुचेरी की, यहाँ पे 80% हाउस होल्ड के पास फंक्शनल कनेक्शन है। फंक्शनल है इट मीन्स टैप वाटर कनेक्शन भी है और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं और पानी भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जस्ट टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल करवाने से पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं की जा सकती अंटिल एंड अनलेस वाटर फैसिलिटी उसमें ना दी जाए। जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मिशन का मेन एम क्या था कि एक सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप्स में
बाई 2024 ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, और जितने भी हाउस होल्ड हैं रूरल एरियाज में इंडिया के, उनको टैप वाटर कनेक्शन देना है कौन से ईयर तक, बाई 2024। ये टारगेट है। फोकस एरिया क्या है कि रिचार्ज करना है एंड रीयूज करना है ग्रे वाटर मैनेजमेंट को, मीन्स रीयूज करना है पानी को, सेकेंड वाटर कंजर्व करना है, थर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। देन लॉन्च कब किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। अपने ये डेट याद रखनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं एग्जाम में। देन कंसर्न मिनिस्ट्री कौन से, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। फंडिंग पैटर्न क्या है, 90:10, इट मीन्स 90% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कौन सी स्टेट्स के लिए, हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। देन 50-50 जो परसेंटेज डिवाइड है वो बाकी स्टेट्स के लिए है, और 100% फंडिंग टोटल प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए। और ये ग्रे वाटर भी आपने याद रखना है। ग्रे वाटर क्या होता है, बेसिकली वेस्ट वाटर है, जैसे कि जो बाथिंग से आ गया, वॉशिंग मशीन से जो पानी आता है, या डिश वॉशर्स हो गए, या मतलब बर्तन धोने के बाद जो पानी आया, ठीक है, नहाने का जो पानी है, इट मीन्स ऐसा पानी कि जिसमें फीकल कंटेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड्स। तेलंगाना को फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर लार्ज स्टेट्स कैटेगरी, और तेलंगाना ने सैनिटेशन स्टेटस जो है रूरल एरियाज का, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा जो है सेकेंड नंबर पे है, तमिलनाडु जो है थर्ड नंबर पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स जो है ये स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पैरामीटर्स के ऊपर क्वांटिटेटिव वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं, और कैसे रूरल कम्युनिटी जो है उनके एरियाज में सैनिटेशन स्टेटस को इम्प्रोवाइज किया है। स्मॉलर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किसने किया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने। सेकेंड नंबर पे कौन है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड सिक्किम। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्री वाइड कैंपेन थी, इनिशिएट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में। एम क्या था कि ओपन डेफिकेशन जो है इसको एलिमिनेट करना, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसको इम्प्रूव करना। ये रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन था निर्मल भारत अभियान का। इससे पहले जो स्कीम थी निर्मल भारत अभियान थी, जो 2009 में लॉन्च की गई थी, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके रिस्ट्रक्चर करके इसको स्वच्छ भारत मिशन का नाम दे दिया गया था। फर्स्ट फेज में मिशन जो है ये अक्टूबर 2019 तक चला। सेकेंड फेज में जो इम्प्लीमेंट किया गया 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट फेज का, कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसको इरेडिकेट करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, बिहेवियरल चेंज लेकर आना है सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है लोगों की लोकल लेवल पे। सेकेंड फेज जो है मिशन का, इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस के लिए इनिशिएटिव्स लेने थे, देन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो है उसकी प्रॉपर मैनेज करना था, और सैनिटेशन वर्कर्स की जो लाइव्स हैं उनको इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं सृष्टि बख्शी जो है, इनको यूएन चेंज मेकर अवार्ड मिला है, और कहाँ पे मिला है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स। इस अवार्ड्स के अंडर चेंज मेकर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। ये विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 3800 किलोमीटर ट्रेवल किया था जेंडर बेस्ड वॉयलेंस के लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए, इनक्वालिटी के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। देन अवार्ड जो है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन कैंपेन के अंडर दिया जाता है, जिसमें लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, और कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि वो एक्शंस कंडक्ट करें एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, ताकि प्लेनेट को हेल्दी बनाया जा सके। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, ये टोटल 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, और इनको अचीव कब कब तक करना है, बाय 2030। तो ये आपने याद रखना है। गोल्स कैसे हैं, जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को खत्म करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ऐसे टोटल मिलाकर 17 गोल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन। तो ये आपने याद रखना, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और इन्होंने फिलोसफी दी थी नॉन वायलेंस की, जो स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस की इन्होंने दी थी। देन ये डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है कि नॉन वायलेंस का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए नॉन वायलेंस के लिए। जनवरी 2004 में ईरानियन नोबल लॉरिएट हैं शिरीन इबादी, इन्होंने प्रपोज किया था कि हमें नॉन वायलेंस डे जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देन 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि
कि 2 अक्टूबर को वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करेंगे टू ऑनर गांधीज वेज। इट मीन्स गांधी के जो मेथड्स थे, उनकी स्ट्रेटेजीज थी, जैसे कि नॉन वायलेंस थी, उनको हम ऑनर करेंगे और इसके लिए एक डे ऑब्जर्व करेंगे। देन महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? अक्टूबर 2, 1869 को पोरबंदर गुजरात में। और इस साल जो है ये 153rd बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये आपने याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। और ये भी आपने याद रखना कि 3 सत्याग्रह जो थे इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में था, देन खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, थर्ड जो थी अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने कौन सा यहाँ पे चलाया था इंडिया में, फर्स्ट सत्याग्रह, उसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण, जो चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं 180 बर्थ एनिवर्सरी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये ऑब्जर्व की गई। इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रीजन में। देन 1964 में ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने इंडिया को लीड किया ड्यूरिंग वॉर विद पाकिस्तान इन 1965 इंडो पाक वॉर में। देन इस वॉर पीरियड के दौरान इन्होंने अपनी सैलरी जो है लेना बंद कर दिया था। और क्यों? क्योंकि नेशन जो है उस टाइम पे काफ़ी फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा था। देन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंस्पायर किया इंडिया के फार्मर्स को और सोल्जर्स को, और उन्होंने एक एक बड़ा फेमस स्लोगन दिया और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। क्या स्लोगन था? जय जवान जय किसान। ये मिनिस्टर थे से पहले यूनियन कैबिनेट के 1951 से 1956 तक, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एक रेल एक्सीडेंट की। और ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, इनका टेन्योर आपने याद रखना 1964 से 66 तक। और ये जो इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी ये खत्म हुई 10 जनवरी 1966 को। इनकी सडन डेथ हो गई थी ताशकंद में, जो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, और उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान जो था ये यूएसएसआर का पार्ट होता था। देन ये उज़्बेकिस्तान गए हुए थे ताशकंद एग्रीमेंट के लिए, जहाँ पे इन्होंने मोहम्मद अयूब खान के साथ, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था पीस प्रोसेस के लिए और इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको पोस्थमसली अवार्ड दिया गया था भारत रत्न का 1966 में। पोस्थमसली का मतलब होता है कि जो डेथ के बाद अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। और इंदौर जो है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनी है फिर से, फॉलोड बाय सूरत एंड नवी मुंबई। देन स्टेट वाइज मध्य प्रदेश जो है इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। देन त्रिपुरा जो है, अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो फ्यूअर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिस जिन स्टेट्स में, कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं या म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे नंबर 100 से कम है, ऐसी स्टेट्स में टॉप किसने किया? त्रिपुरा ने। देन क्लीनेस्ट गंगा टाउन की कैटेगरी जो है उसमें हरिद्वार ने टॉप किया है। इस कैटेगरी में मतलब क्लीनेस्ट गंगा टाउन डिक्लेयर किया गया है जहाँ पे ऐसे टाउन जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, फॉलोड बाय वाराणसी एंड ऋषिकेश। देन तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश का, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट सिटी की कैटेगरी में इन सफाई मित्र सुरक्षा। देन देवलाली जो है महाराष्ट्र में, इनको क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड को या हिंदी में क्या कहेंगे? जो छावनीज होती हैं बेसिकली, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं या मिलिट्री जो डिप्लॉय होती है। देन कर्नाटका के शिवमोगा जो है फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं कौन कौन सी स्टेट या सिटी को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को ने रिलीज किया 50 आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल लिस्ट ऑफ इंडिया। ये लिस्ट जो है 50 एक्सक्लूसिव, इसमें आइकॉनिक हेरिटेज एंड टेक्सटाइल क्राफ्ट को नेम किया गया है। और कौन से टाइटल के अंडर है? हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। और इसमें जो प्रोसेस है इसको बनाने की, उसको हाईलाइट किया गया है। और ये भी मेंशन किया गया है कि क्या कारण है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है कम होती जा रही है, और स्ट्रेटजीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। टेक्निकल टेक्सटाइल्स कौन सी होती हैं? जो इंजीनियरिंग गुड्स में यूज होती हैं या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं, जैसे कि पैराशूट्स हो गए, पैराशूट्स का जो कपड़ा है वो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंडर आएगा। कार का जो कवर होता है, जो कवर डालते हैं हम कार के ऊपर, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल के अंडर आ जाता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में 6% शेयर है ओवरऑल। एंड इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन एंड जूट का पूरे वर्ल्ड में।
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, एंड 95% ऑफ हैंड वोवन फैब्रिक जो है, हाथों से बुना हुआ कपड़ा जो है, वो इंडिया से आता है। कुछ फेमस टेक्सटाइल देख लेते हैं जो आइकॉनिक हेरिटेज लिस्ट में है। तोड़ा एम्ब्रॉयडरी है, एंड सुंगुड़ी जो कहाँ से आती है, तमिलनाडु से। जो ये आप ये पिक्चर देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये टोडा एम्ब्रॉयडरी का एग्जाम्पल है। टोडा टोडा जो है एक ट्राइब है, कहाँ पे मिलेगी, नीलगिरी हिल्स में, साउथ इंडिया में। देन हिमरू वीव्स है हैदराबाद से। बांधा टाई एंड डाई वीविंग कहाँ की फेमस है, सांबलपुर इन उड़ीसा। कुनबी वीव्स हैं गोवा से। माशरू वीव्स हैं एंड पटोला जो है गुजरात से। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पटोला जो फैब्रिक है कहाँ से आता है, गुजरात से, तो ये आपने याद रखना है। देन हिमरू जो है महाराष्ट्र के भी फेमस है। गरड़ कोरियाल वेस्ट बंगाल। खेस जो है हरियाणा का फेमस है। चंबा के रुमाल फेमस है हिमाचल प्रदेश में। देन थिगमा और वूल टाई एंड डाई जो है लद्दाख की फेमस है। अवार्ड जमदानी जो है वाराणसी से। तो ये लिस्ट आपने एक बार गो थ्रू कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी जो है कहाँ पे बनने जा रहा है, हरियाणा में। 10,000 एकड़ में ये सफारी पार्क बनेगा और गुरुग्राम एंड नू डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा की इसको कवर करेगा। और ये बेसिकली अरावली रेंजेस में जो है बनाया जाएगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशली क्रिएटेड जो सफारी पार्क है आउटसाइड ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के बाहर जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल क्रिएटेड सफारी पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा, शारजहाँ में। शारजहाँ सफारी जो है ये ओपन की गई थी फरवरी 2022 में, और ये अराउंड 2,000 एकड़ में है। तो ये जो हरियाणा में बनने जा रहा है वर्ल्ड का, ये आपने याद रखना, ये कितने एकड़ में है, 10,000 एकड़ में जो बनेगा। देन जंगल सफारी स्कीम जो है ये सिर्फ टूरिज्म को नहीं बूस्ट करेगी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगी लोकल रेजिडेंट्स के लिए। और आपने ये भी याद रखना है कि शारजा जो है ये कहाँ पे है, यूएई में, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द जंगल सफारी प्रोजेक्ट जो है हरियाणा का, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एंड हरियाणा गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, एक एक बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के, इन्होंने लॉन्च की है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम 1 अक्टूबर 2022 को। और इसमें प्रमोट किया जाएगा इंडिजिनस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को, कि जो लोकल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है इंडिया की उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। स्कीम का एम क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, ओनरशिप प्रमोट करना, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना, देन एक कल्चर क्रिएट करना टेक्नोलॉजी को इनोवेशन का, इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करना, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको क्रिएट करना। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाएगा ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंडर, अंडर गवर्नमेंट ओन्ड भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL। एंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो क्या है, इसमें बेसिकली ये पूल ऑफ फंड्स है। पूल ऑफ फंड्स क्या हुआ कि एक फंड बनाया गया है जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो पूलिंग करेंगे, और ये फंड जो है ये फिर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और ये फंड कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या कि बेसिकली एक 5% यूनिवर्सल लिवाई मीन्स एक टैक्स जो है लगाया जा रहा है। इसके ऊपर लगाया जाता है टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स के ऊपर, इसलिए इनका जो टोटल रेवेन्यू होता है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, तो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो इनकम है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, उनके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाता है, जिसको कहा गया यूनिवर्सल लिवाई। ये जो फंड है ये कहाँ पे कलेक्ट होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और इसी फंड को यूज किया जाता है फिर टेलीकॉम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।